सोनीपत के गांव ककरोई की कई सौ एकड़ जमीन जलमग्न हो गई। गांव ककरोई स्थित एसटीपी प्लांट के ग्रामीण एकजुट हुए। एसटीपी प्लांट से निकलने वाले गंदे पानी को ग्रामीणों ने वजह बताया। ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए बीजेपी के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री मीडिया सलाहकार राजीव जैन भी मौके पर पहुंचे। ड्रेन की सफाई व एसपीटी प्लांट से निकलने वाले पानी की वजह से किसानों की कई सौ एकड़ फसल बर्बाद हुई। धान की फसल लगाने वाले किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। ग्रामीण बोले, उच्च अधिकारियों से लेकर नेताओं तक लगा चुके हैं गुहार, लेकिन समस्या का आज तक समाधान नहीं हुआ है। क्या समस्या थी किस कारण? पानी की समस्या जी, एसटीपी की फ्लो हो गए, ज्यादा पानी, अगर बरसात का भी पानी एसटीपी का भी खेतों में चढ़ गया जी, इससे कई सौ एकड़ की फसल खराब है जी। क्या अभी किन किन अधिकारियों से मिल चुके हो, क्या आश्वासन मिला है? डीसी साहब तो मिल गए, एसटीओ साहब तो मिल लिए, एससी तो भी मिल लिए जी, और सारे अधिकारी तो मिल चुके हैं। किसी दो साल तक कोई भी कार्रवाई नहीं है जी इसमें। किसकी लापरवाही? पिछले साल भी गेहूँ की फसल भी खराब हो गई थी जी। जो मुआवजा है वो, जो फसल खराब होने का, वो आपको प्रॉपर तरीके से मिला? नहीं, कुछ नहीं मिल लिया जी। दो साल से मुआवजा भी नहीं? ना, कुछ मुआवजा भी नहीं मिल लिया जी। क्या नाम आपका? अनिल। किस कारण इकट्ठे हुए थे? या ड्रेन है जी, जो नंबर जो है, इसकी सफाई नहीं हो रही जी, दो तीन साल हो गए, फसल खराब हो गया है। तो सारे अधिकारी गांड लिए जी, डी सी गए, एस सी गए, एक्शन गए, सब तो मिल लिए। एस टी पी का डायरेक्ट गे रहे हैं जी, साफ नहीं करते, इसने सारी फसल जब खराब हो जाए, गेहूँ हो, धान हो, कुछ भी हो, मुआवजा मिला? एक बार भी नहीं मिल लिया जी, केस कर कर हार लिए सारे का अधिकारी गए, ये देख लो बिल खाए हट ना रहे। क्या नाम आपका? मेरा नाम विजय है जी। आपको बताइए, देखिए ईस्ट जुआ ड्रेन की सफाई ना होने की वजह से और भारी बरसात की वजह से कई गांव में जो है जल भराव की समस्या पैदा हुई है, जिसमें हमारा जुआ गांव भी है और उल्लैडी, बड़वासणी, करेवड़ी और ये ककरोई गांव है। यहाँ ईस्ट जुआ ड्रेन पर आकर मैंने देखा कि नहर के बीचों बीच जो है झाड़ फूस खड़े हैं, जिसकी वजह से पानी आगे जाता नहीं है। हालाँकि सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने कल जो है, मैं मौके का दौरा बड़वासणी में किया था, तो उसके बाद जो है सफाई शुरू करवाई है, लेकिन अभी जो है इस जुआ ड्रेन की ककरोई से आगे सफाई की ज़रूरत है ताकि पानी आगे जा सके। और इसके अंदर जो है सोनीपत का जो ककरोई रोड पर एसटीपी प्लांट लगा हुआ है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है, उसका भी पानी आता है। सहयोगी सविता के साथ सोनीपत से मनीष दहिया की रिपोर्ट।